56 कंपनी स्कैंडल, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मलबा साबिका ब्यूरोक्रेसी और बोर्ड्स पर डाल दिया। आपके अहकामात पर कंपनीज में गैर कानूनी इकदाम हुए, नैब का सवाल। जो गैर कानूनी इकदाम हुए चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी, ये जवाब था शहबाज शरीफ का। 56 कंपनी स्कैंडल है जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मलबा साबिका ब्यूरोक्रेसी और बोर्ड्स पर डाल दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, मजीद क्या सवालात किए गए थे नैब की जानिब से? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से पूछा ये गया था कि आप कंपनी की इजलासों की सदारत करते रहे तो आप किस जो है वो इख्तियारात को गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए इन इजलासों की सदारत करते रहे। उनका ये कहना था कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने काम दुरुस्त नहीं किया तो उस वक्त मैंने नेक डीपी के साथ जो है वो इजलासों की सदारत की। उनका ये कहना था कि आप मुझसे नहीं बल्कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को पकड़े हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब होता है, और जबकि तमाम ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ की तैनात की हुई थी और इन्हीं की जो है करीबी अफसर समझे जाते थे। लेकिन कल लेके नए ये मामला देखने में आया कि जब उनसे सवालात पूछे जाते थे नैब के अफसर से तो तमाम मलबा जो है अपनी साबिक ब्यूरोक्रेसी जो उनकी टीम मेंबरान थे जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, सेक्रेटरी सीएम थे, सेक्रेटरी फाइनेंस थे, सेक्रेटरी पीएनडी थे, चेयरमैन पीएनडी थे, उन तमाम अफसरान पर मलबा डालते रहे। उन्होंने ये कहा कि मैंने नहीं बल्कि उन अफसरान ने ये इकदाम किए हैं। आप उनसे ये पूछे कि उन्होंने क्यों गैर कानूनी इकदाम के जो है वो इजाजत दी थी और उन्होंने मुझे समरी भी दिवाई जिसके तहत मैंने समरी मंजूर की। उन्होंने ये कहा कि आप उसकी बात करते हैं, मैंने तो पैसे बचाए हैं। नैब की जानिब से फिर ये सवाल पूछा गया कि आपने गैर कानूनी इख्तियारात जो है इस्तेमाल किए और जिसकी वजह से आपने पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में फारूक शाह को जो है अपॉइंट किया, तो उनका ये कहना था कि मैंने नहीं किया बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा।